हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आवाज़ सुनाई दे रही है आपको कुछ? अभी नीतू दीदी आई हुई हैं, क्योंकि लव को ना कुत्ते ने काट लिया था अभी 2 दिन पहले, और पापा उसकी झाड़नी करते हैं, तो दीदी वहाँ से लव को लेकर आई हैं। और आज सुबह से वॉमिटिंग हो रही है मुझे, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, और तबीयत ही बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। बस दीदी अभी खाना वाना खा लें, अभी नीचे खाना खा रही हैं, तब तक मैं ऊपर आ गई। फिर आती हैं दीदी ऊपर, क्योंकि आज पूरी दोपहर हम लोग साथ में ही रहेंगे, ये सबसे अच्छी बात है। तो आज मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी, जिसका नाम है 1xBet, जो PSG और सीरिया ए का ऑफिशियल पार्टनर भी है, जहां आप क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस का लाइव मैच देखकर स्कोर को प्रिडिक्ट करके ईजिली पैसे कमा सकते हैं, और लैपटॉप, आईफोन, ईयरफोन भी जीत सकते हैं। IPL चल रहा है, और अपनी टीम को चेयर अप करने के साथ साथ मैच के स्कोर की प्रेडिक्शन करके आप भी बहुत सारे प्राइजेज जीत सकते हैं। अच्छा मौका है। रजिस्ट्रेशन कराते समय आप मेरे प्रोमो कोड को यूज़ करके अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर 66,000 तक रुपए प्राप्त कर सकते हैं। इसे आप पेटीएम, बैंक, क्रिप्टो, पेपाल या इजी कोई भी मेथड से विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा। तो डर किस बात का? कमेंट में पिन किए गए लिंक को यूज़ करके आप अपना पहला बैट लगाओ और कमाओ। मेरे प्रोमो कोड को यूज़ करके आप बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। हाँ, आप बता भी नहीं सकते हैं कि इन्होंने क्या कांड किया है। शेरवानी लेने गए थे तो यही हुआ था दुकान वाले के साथ। खांसा करो, खांसा तो बिल्कुल मत करो। ये है हमारी संस्कारी बहू नीतू, जिसके संस्कार हर जगह से झलकते हैं। समीर हवा का जो दुकान वाला किरा तीन जने बैठे, किसने संदीप तो समझ गया, वो पलट के देख रहा, मतलब संदीप गिर के ऐसा दुकान में। मैंने संदीप को बोला, मैंने साले तू ऐसा करेगा तो उसको तो सक मेरे पे ही जाए, उसका सक तो मेरे पे ही जाएगा। ये आदमी को चैन नहीं है यार। हेलो, ठंडी हवा का झोंका। हेलो, यहाँ झड़वा लिया। अब बस अभी जस्ट खाना खा के लेटी हूँ। यार क्या खाना बनाया मम्मी ने यार। हाँ, तो ये हैं हमारे बच्चे जिन्हें हम घर में छोड़ के जाते हैं। हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है। आधे घंटे में आतंक मचा दिए, देख रहे हैं, रोना पीटना मच गया। अगर एक हफ्ते ये और हम साथ में रहे तो ये तो लड़ाई ठीक है, हम एक दूसरे को बाल पकड़ के बच्चे तब तो ठीक है, माओ को जानवर बना देंगे, आपस में लड़ने के मजबूर कर देंगे। इसलिए बस यही दर्द है जो हम दूसरों को नहीं देना चाहते, इसलिए हम इनको घर छोड़ के जाते हैं। सही बता रहे हैं। क्या आवाज? ये देखो, ये हम अपने बच्चों को साथ में क्यों नहीं लेके जाते, वो रो रही है, वो देखो। आते ही मारने लगा उसको, दूचा दोज दिया उसने। कोई बात नहीं बेटा, चुप हो जा। कहाँ लगे बता तो मुझे, अंगूठा मोड़ दिया? अंगूठा क्यों मोड़ा? क्या कर रहा? मैं तो मोबाइल देख रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम। तेरी चोर जैसी हंसी से मुझे लग रहा है तूने उसको मारा है। नहीं मारा। कहाँ मारा बेटा? क्या करा अंगूठे को? क्या करा उसने? मोड़ दिया। नहीं, वो झूठ नहीं बोलेगी। झूठ नहीं बोलेगी वो। नहीं बेटा, ऐसे मत ना ये बेटा, ऐसे मत कर, ला अच्छे से खिला ले यार बेटा, गंदी बात मत कर। अभी बेटा तेरे पिताजी यहाँ पर नहीं है, बहुत गनीमत है। मत ऐसे बदतमीजी मत कर लो, है ना? ठीक से बंद कर उसको, अब अच्छे से उसको भी दिखा उधर लेट तरीके से। अब अगर उसकी उंगली या उस किसी भी चीज को मोड़ा तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं, इसीलिए नहीं लेके जाती उसको मैं। मेरे को मालूम है ना, वो मिल्की को भी इतना मारता है,
वहां जाता है तो पीहू को मारता है, अनन्या को मारता है, इसको पता नहीं क्या मजा आता है सबको मारने में। अब अपने बच्चे खुश, बढ़िया, मस्त है एकदम, मस्त वो देखो। इधर माओ को भी दिखा, माए भी मस्त। मस्त क्या, मेरे ऊपर इतना मोटा टांग रख के, ये कौन सा पोजीशन है सोने का, ये कौन सा पोजीशन है? रिलैक्स पोजीशन बोल। दूसरा टेंशन में रहे, अपन रिलैक्स होके सो। अपन रिलैक्स होके सो, है ना? साला तिरछा हो रहा, उसको देखने नहीं दे रहा। दिखा ना उसको। अरे मैं दिखा तो रहा हूँ, उधर लेटा के दिखा उसको। तकिए दो ना, ये लो लो, ये बच्चे ले लो, तकिए के लो, ये लो, एक एक बच्चा दो ही लेके ले जाओ। अपना मुंडी नीचे आ गई यार, ऐसे में तो मैं तो मोड़ दूंगी तेरा तकिया। कैसे गटरी बना दिया उसको, तकिया तोड़ के सो गई मैं। बस इसमें मुंडी आना चाहिए। हे गाइस, तो नीतू दीदी चली गई हैं और बहुत सारा जो समय हमने साथ में बिताया वो हमने वीडियो शूट नहीं किया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा मन होता है ना कि बस आमने सामने बैठ कर बहुत सारी बातें करूँ। उनके जाते ही घर पूरा सूना हो गया है, वो रहती है तो तहलका मचा होता है। हमारे घर के सामने जो गार्डन है ना, यहाँ शादी होगी। एक तो गर्मी के टाइम पे ना छोटी छोटी छिपकलियों से इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं ना, क्योंकि वो कहीं पर भी घुस जाती हैं, चढ़ जाती हैं। बड़ी वाली जो छिपकली रहती है वो दीवार पे ही रहती है, लेकिन छोटी वाली जो रहती है वो कहीं पर भी घुस जाती है। और सबसे ज़्यादा डर मुझे लगता है कि छिपकली से ही लगता है सभी लोगों को, सिर्फ मुझको नहीं बाकी सभी लोगों को। शूट करने की हिम्मत नहीं हो रही है, इतनी भयानक गर्मी है, इतनी तेज़ गर्मी है ना कि शाम के टाइम भी सोचते हैं कि चलो शाम को शूट करेंगे, तो 6 बजे तक तो ऐसा लगता है जैसे सूरज हमारे सर पे ही बैठा हुआ है। इस चक्कर में काम भी बहुत डिले होते जा रहे हैं, लेट होते जा रहे हैं, क्योंकि काम ले तो लिया है पर उसको करने की हिम्मत नहीं। वैसे भी आधे से ज़्यादा जगह तो अलर्ट चल रहा है कि घर से बाहर अगर कुछ ज़रूरी काम हो तो ही निकलें, तो अभी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है वैसे। और क्योंकि इसमें पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। वैसे मैं अभी स्टार्ट किया है मैंने नारियल पानी पीना। नारियल पानी और तरबूज, ये सारी चीज़ें जो है ना पानी की कमी को दूर करते हैं सभी। मैंने इसमें से जो मेरा लगेज है ना वो खाली नहीं किया है, वैसा का वैसे ही रखा हुआ है। ऐसा और किस किस के साथ में होता है ज़रूर से बताइएगा। और जहाँ जाना होता है, जब भी जाना होता है ना, एक दिन पहले ही मेरी पैकिंग होती है, चाहे जितने दिन का समय मिल जाए लेकिन पैकिंग नहीं होती है। शॉपिंग और पैकिंग एंड टाइम तक बची ही होती है। और वहाँ से आने के बाद में ये बेचारा बैग ऐसे ही रखा रहता है, जब कहीं दूसरी जगह जाना होता है तब इसमें से कपड़े निकलते हैं जो नहीं पहने होते हैं। बाकी जो धुलने वाले होते हैं वो तो निकल जाते हैं, बाकी ये नहीं कि हम पूरे कपड़े निकाल कर तह बना कर रख दें। ऐसा मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे साथ नहीं होता होगा, जब कहीं जाना रहता है तब इसमें से नए वाले कपड़े निकलते हैं जो यूज़ नहीं हुए होते हैं। तो चलिए इसी के साथ में करते हैं इस ब्लॉग को एंड, बने रहिएगा हमारे चैनल से। आई होप आपको नीतू दीदी के साथ का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। उनके साथ के तो मेरे सारे ब्लॉग आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सभी को ये जोड़ी पसंद आती है। और हम लोग भी अगर पूरे टाइम कैमरा ऑन रखें ना, तो पूरा दिन हमारा जो ब्लॉग है आप लोग एंजॉय करोगे, इतनी मस्ती हमारे साथ में होती है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती है जो मिस हो जाती है, जो कैमरा ऑन नहीं रहता है तब होता है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।